गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन चल रहे हैं राजस्थान का इतिहास, और राजस्थान के इतिहास में अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के इतिहास, और मेवाड़ के इतिहास में राणा प्रताप के संबंध में। इससे पहले एक वीडियो आया था जिसमें अपन ने राणा प्रताप और हल्दीघाटी के युद्ध के बारे में विस्तार रूप से चर्चा की थी। जैसा कि इतिहास में वर्णित है कि 9 मई 1540 ईस्वी को राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। हालांकि मैं ये क्लियर कर चुका हूँ उससे पहले वीडियो में कि लगभग सभी पुस्तकों में राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में बतलाया गया है, लेकिन वास्तव में राणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में ना होकर पाली में हुआ था। पाली जो महाराणा उदय सिंह की ससुराल थी, और महाराणा प्रताप के नाना यानी कि रानी जयवंता बाई के पिता जो थे अखेराज सोनगरा, वो जोधपुर के शासक मालदेव के विशेष पात्र सामंत थे, क्योंकि महाराणा उदय सिंह के दिन उस समय अच्छे नहीं चल रहे थे, और बनवीर ने मेवाड़ पर अधिकार कर रखा था। इसलिए महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ में सुरक्षित नहीं थे, उनको ये लगा, इसलिए उन्होंने महाराणा प्रताप के जन्म से पहले रानी जयवंता बाई को उसके पिता अखेराज सोनगरा के यहाँ पाली भेज दिया, और पाली में ही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जब जन्म की सूचना मिली तब उसके पश्चात 1540 में ही महाराणा उदय सिंह ने बनवीर के ऊपर आक्रमण किया, मावली के पास उसको हरा कर मेवाड़ के ऊपर कब्जा किया, और इस प्रकार से फिर 1572 ईस्वी में जब राणा उदय सिंह का देहांत होता है, वहीं पर 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा नामक स्थान पर महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक होता है। उसके पश्चात विधि विधान से उसका दूसरा राज्याभिषेक जो है 1572 ईस्वी में ही कुंभलगढ़ दुर्ग में होता है। और जब कुंभलगढ़ दुर्ग में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय जोधपुर के राठौड़ शासक चंद्रसेन भी वहाँ पर उपस्थित थे। अकबर उस समय भारत विजय के सपने देख रहे थे, मुगल सम्राट बिना युद्ध किए महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। राजस्थान की बहुत सी रियासतें, विशेष रूप से जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, वो मुगल सम्राट अकबर के अधीनता स्वीकार कर चुकी थी, और इसी के तहत अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए 4 अलग अलग दूत मंडल भेजे थे। जलाल खां सबसे पहले सितंबर 1572 में, फिर मान सिंह जून 1573 में, फिर भगवान दास या भगवत दास अक्टूबर 1573 में, और उसके पश्चात अंतिम रूप में टोडरमल 1573 दिसंबर में भेजे गए थे। उसके पश्चात जब महाराणा प्रताप ने बिल्कुल ही मना कर दिया कि वो किसी भी सूरत में अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तब युद्ध अवश्यंभावी हो गया, और इस युद्ध की संपूर्ण रणनीति जो है हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति अजमेर के मैगजीन किले में बनाई गई थी। और ये हल्दीघाटी का ऐतिहासिक युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह और आसफ खां कर रहे थे, जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हाकिम खां सूर कर रहे थे। हालांकि महाराणा प्रताप की सेना में बहुत बड़े वीर योद्धा थे। कहा जाता है कि अकबर की सेना में 80,000 सैनिक थे, लेकिन वास्तविक तथ्यों के अनुसार अकबर की सेना में 16,000 सैनिक थे और महाराणा प्रताप के पास मात्र 3,400 सैनिक थे, और इनके बलबूते पर ही महाराणा प्रताप ने अकबर की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। और इसी प्रकार से ये जब युद्ध चल रहा था, उसी दौरान बहुत बुरी तरह से मुगल सेना पराजित हो रही थी, लेकिन मुगल सेना के एक सेनापति मेहतर खान ने अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर खुद मैदान में आ पहुंचे, और इस कारण से मुगल सेना में एक जोश आ गया, और फिर मुगल सेना काफ़ी बहादुरी के साथ लड़ी। हालांकि ये युद्ध अनिर्णायक रहा था, अलग अलग दस्तावेजों में अलग अलग रूप में इस युद्ध का वर्णन किया गया है। कहीं पर राणा प्रताप को विजयी बतलाया गया है, तो कहीं पर मुगल सेना को विजयी बतलाया गया, लेकिन वास्तव में ये युद्ध अनिर्णायक रहा था। और जब महाराणा प्रताप इस युद्ध में काफ़ी घायल हो जाते हैं, तो युद्ध के मैदान से उनको बाहर ले जाया जाता है, और उनके स्थान पर झाला बीदा ने उनके राज्य चिन्ह पहनकर युद्ध प्रारंभ
किया था, यह युद्ध लड़ा था, और फिर बाद में झाला विदा की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। और जब राणा प्रताप वहाँ से चल रहे होते हैं तब मुगल सेना उनका पीछा कर रही होती है। बलिचा नामक स्थान पर राणा प्रताप का विश्वसनीय जो घोड़ा था चेतक, वो भी दम तोड़ देता है। और यहाँ पर शक्ति सिंह जो उनके रिश्ते में भाई लगते थे वो यहाँ पर आते हैं, वो अपना घोड़ा उनको देते हैं और उसके पश्चात वो वहाँ से निकल जाते हैं और छप्पन की पहाड़ियों में जाकर वो शरण लेते हैं। उसके पश्चात ढोलक गांव में चूलिया जलप्रपात के पास भामाशाह ओसवाल जो पाली के रहने वाले थे वो महाराणा प्रताप की उनसे भेंट होती है। 25 लाख रुपए महाराणा प्रताप को वो सेना के पुनर्गठन के लिए देते हैं और उसके पश्चात महाराणा प्रताप फिर से एक नए युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपोल की संज्ञा दी थी। और जो खमनौर नामक स्थान पर ये जो युद्ध लड़ा गया था वहाँ पर एक जगह को रक्त तलाई के नाम से जानते हैं, क्योंकि जून का समय था, बारिश भी हुई थी और बारिश के उपरांत जो वहाँ पर वीर सैनिक युद्ध में हताहत हुए थे उनके रक्त से पानी इकट्ठा होकर एक लाल तालाब के रूप में तब्दील हो गया था जिसको रक्त तलाई कहा गया। और आज भी रक्त तलाई खमनौर में देखी जा सकती है और वहीं रक्त तलाई के पास ही जो लोग इस युद्ध में हताहत हुए थे उनकी निशानियों के तौर पर उनकी कब्र आज भी वहाँ पर देखी जा सकती है। चलिए यहाँ तक अपन कर चुके थे और आज आगे अपन बढ़ेंगे और आज शुरू करेंगे अपन इसमें कुंभलगढ़ के युद्ध से। महाराणा प्रताप जब हल्दीघाटी के युद्ध में निर्णायक युद्ध के पश्चात आगे बढ़ते हैं तब उनका एक महत्वपूर्ण युद्ध जो होता है वो कुंभलगढ़ का युद्ध होता है। नवम्बर 1576 ईस्वी में अकबर ने उदयपुर को अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि मेवाड़ में जो अनिर्णायक युद्ध हुआ था उसके पश्चात राणा प्रताप छप्पन की पहाड़ियों में चले जाते हैं और उदयपुर पर अकबर का अधिकार हो जाता है। और उसके पश्चात अकबर ने इस उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद रखा था। अकबर ने शाहबाज खां को एक विशाल सेना के साथ कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा। हालांकि इससे पहले कुंभलगढ़ कभी भी किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं आया था, पहली बार ये विदेशी शक्ति के अधीन आया था। 3 अप्रैल 1578 को प्रताप व शाहबाज खां के मध्य कुंभलगढ़ का युद्ध होता है और इस युद्ध में आखिरकार शाहबाज खां का कुंभलगढ़ पर अधिकार हो जाता है। मेवाड़ का ये अजय दुर्ग पहली बार किसी विदेशी शक्ति के अधीन आया था। शाहबाज खां ने आखिरकार कुंभलगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया। इस अभियान के बाद अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को सेनापति नियुक्त किया, यानी कि मुगल सेना का जो सेनापतित्व था वो अब अब्दुल रहीम खान खाना को दे दिया गया। और इसके पश्चात प्रताप के पुत्र अमर सिंह के साथ रहीम का शेरपुर नामक स्थान पर संघर्ष होता है। और इस संघर्ष में अमर सिंह ने रहीम को परिवार सहित बंदी बना लिया। लेकिन उसके बाद जब महाराणा प्रताप ने उनको छोड़ने के लिए कहा तब रहीम को परिवार सहित वापस भी छोड़ दिया गया था। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण युद्ध होता है दोनों के बीच में वह है दिवेर का युद्ध। यह युद्ध राजस्थान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनर्प्राप्ति हुई। इस युद्ध के पश्चात राणा प्रताप और मुगलों के बीच में एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में गठित हुआ जिसके कारण कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मैं हल्दीघाटी के संदर्भ में एक उदाहरण मैंने दिया था कि कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी के युद्ध को थर्मोपोली की संज्ञा थी। एथेंस में थर्मोपोली नाम के स्थान पर एथेंस की सेना और फारस की विशाल सेना के बीच में युद्ध हुआ था। एथेंस के 300 सैनिकों ने फारस की सेना के दांत खट्टे कर दिए थे और उसके पश्चात वहीं एथेंस में ही मैराथन नामक स्थान पर पुनः एथेंस और फारस की सेना का युद्ध होता है जिसमें एथेंस की सेना की जीत होती है। ठीक वो घटनाक्रम दिवेर के युद्ध में हुआ था। दिवेर छापली का युद्ध कहलाता है और इस दिवेर छापली के युद्ध में जो 26 अक्टूबर 1582 को लड़ा गया था इसमें आखिरकार महाराणा प्रताप की सेना की जीत होती है। विजयादशमी के दिन 26 अक्टूबर 1582 को राणा कड़ा जिसे दिवेर घाटा कहा जाता है तथा राता खेत जो उड़ेश्वर महादेव मंदिर छापली के दक्षिण व पूर्व में स्थित एक मैदान है वहाँ पर महाराणा प्रताप
की सेना तथा मुगल सेना के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में जिसे दिवेर छापली कहा जाता है, इस युद्ध में महाराणा प्रताप को यश और विजय दोनों की प्राप्ति हुई थी। यानी कि आखिरकार महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में विजय के पश्चात अपने मुकाम को वापस प्राप्त कर लिया था, और जो खोया हुआ क्षेत्र था उसको वापस प्राप्त कर लिया था। उसके पश्चात अकबर ने समय समय पर प्रताप के विरुद्ध कई युद्ध के नेतृत्व में, कई लोगों के नेतृत्व में अभियान भेजे थे, मानसिंह के नेतृत्व में भी, भगवान दास के नेतृत्व में भी, कुतुबुद्दीन शाह के नेतृत्व में, शाहबाज खां के नेतृत्व में, रहीम के नेतृत्व में, जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। ये जो अभियान थे वो अभियान अलग अलग व्यक्ति के नेतृत्व में महाराणा प्रताप को बंदी बनाने या विजयी होने के लिए भेजे थे। सबसे अधिक 3 बार शाहबाज खां को भेजा, और अंतिम अभियान 1585 ईस्वी में जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में भेजा। 1585 तक, यानी कि 1576 से लेकर के 1585, 9 साल तक विभिन्न अभियानों के बावजूद भी अकबर इतना महान सम्राट जो कहलाता था, पूरा मुगल साम्राज्य का अधिपति, वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं ला सका, न उसको पराजित कर सका। आखिरकार वो 1585 के पश्चात बांसवाड़ा होते हुए मालवा की तरफ निकल जाते हैं और मेवाड़ का ख्याल अपने दिल से निकाल देते हैं, और महाराणा प्रताप के भय से उन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो आगरा से बदल कर सीधे लाहौर कर ली थी, ताकि महाराणा प्रताप के जो छापामार युद्ध है उससे वो सुरक्षित रह सके। जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में जो 1585 में अंतिम अभियान भेजा गया था, उसमें जगन्नाथ कछवाहा वीरगति को प्राप्त हुए, और इसी कारण से इनकी छत्री मांडलगढ़ किले में स्थित है। मेवाड़ में के भीलवाड़ा के पास मांडलगढ़ किले में इस कछवाहा राजपूत की छत्री आज भी बनी हुई है। 1582 के दिवेर युद्ध में प्रताप ने दिवेर के गवर्नर सुल्तान खां को मारा। दिवेर का जो गवर्नर था सुल्तान खां, उसको महाराणा प्रताप ने मारा, और उसके अलावा सुल्तान खां के सहायक बहलोल खां को घोड़े सहित जमीन में गाड़ दिया था। यानी कि महाराणा प्रताप ने या सुल्तान खां के साथ साथ बहलोल खां को भी जान से मारा था। और दिवेर को मेवाड़ का पहाड़ी प्रवेश द्वार कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, जब अपन वर्तमान समय में उदयपुर में प्रवेश करते हैं इधर नाथ द्वारा राजसमंद की तरफ से, तब दिवेर नामक स्थान आता है, और दिवेर से एक तंग घाटी आगे निकलती है, और इसी कारण से इसको मेवाड़ का प्रवेश द्वार कहा गया था। 19 जनवरी 1597 को चावंड जिसको महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था, वहाँ पर चामुंडा माता का मंदिर भी उन्होंने बनाया था, वहीं चावंड में धनुष की प्रत्यंचा खींचते समय चोट लगने से महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। अकबर के दरबारी कवि दूरसा आढ़ा ने प्रताप की मृत्यु पर अकबर से कहा, गुहिलो रानो जीत गयो, यानी गुहिल वंश का प्रतापी शासक, गुहिल जिसने मेवाड़ की स्थापना की थी, उन्हीं के वंशजों ने आखिरकार महाराणा प्रताप के दांत खट्टे कर दिए, और आखिरकार बिना मुगल सम्राट के अधीन आए महाराणा प्रताप इस दुनिया से विदा हो गए। इसलिए कहा गया गुहिलो रानो जीत गयो। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बाडोली उदयपुर में स्थित, बाडोली जो उदयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है, वहां पर महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी आज भी देखी जा सकती है। और महाराणा प्रताप का जो स्मारक है वो मोती मगरी उदयपुर में स्थित है। मोती मगरी जो फतेह सागर झील के किनारे सर्किट हाउस के पास में है, वहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक भी स्थित है। 11 जून 1967 को 15 पैसे के डाक टिकट पर राज्य सरकार ने विजय स्तंभ का प्रचलन किया। ये राज्य की प्रथम डाक टिकट थी। यानी कि 11 जून 1967 को राज्य सरकार ने 15 पैसे के डाक टिकट पर आखिरकार इस चित्तौड़ के प्रतीक के रूप में विजय स्तंभ का प्रचलन किया था। और आगे बात करते हैं चक्रपाणी मिश्र, राणा प्रताप के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान लेखक, जिसने विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ की रचना की थी। राणा प्रताप के दरबार में चक्रपाणि मिश्र नाम के प्रसिद्ध विद्वान थे, और इन्होंने विश्व वल्लभ नामक ग्रंथ लिखा था। इस ग्रंथ में मिट्टियों के प्रकार, वृक्षों का महत्व, खेत की बुआई,
मौसम के अनुसार फसलों को बोना तथा जल स्रोतों की विवेचना इनके द्वारा की गई। ये सारी की सारी बातें हैं जो है वो मेवाड़ के संदर्भ में चक्रपाणि मिश्र ने लिखी थी। इसके अलावा रामा साधु माला साधु राणा प्रताप के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ व विद्वान लेखक जिन्होंने राणा प्रताप का जूझना नामक ग्रंथ की रचना की थी। रामा साधु और माला साधु दोनों जो थे राणा प्रताप के दरबार के संगीतकार थे और इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था राणा प्रताप का झूलना। इस ग्रंथ में महत्वपूर्ण विजयों का वर्णन इन्होंने किया। जिस प्रकार छापामार युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने जगह जगह मुगल सेना के दांत खट्टे कर दिए थे, उनको भूखे प्यासे रहने को मजबूर कर दिया था, उनको मेवाड़ से निकलने के लिए मजबूर कर दिया था, उन सब बातों का उल्लेख इस पुस्तक जिसका नाम राणा प्रताप का झूलना इस पुस्तक में किया गया। और ये पुस्तक लिखी थी राणा प्रताप के प्रसिद्ध संगीतज्ञ दरबारी संगीतज्ञ रामा साधु और माला साधु ने। जगमाल, ये मैं पहले बतला चुका हूँ, महाराणा उदय सिंह और रानी धीरबाई के पुत्र थे जगमाल, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। राणा प्रताप का अनुज भाई जगमाल मेवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतुष्ट होकर अकबर के खेमे में जा मिला और मुगल सम्राट अकबर ने इसे जहाजपुर का परगना तथा सिरोही राज्य का आधा भाग प्रदान किया था। जहाजपुर जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है वो उसका परगना भी दिया था और सिरोही राज्य का आधा भाग भी जगमाल को प्रदान किया था। मैं आपको पहले बता दूँ कि धीरबाई जो राणा उदय सिंह की पत्नी थी और जगमाल की माँ थी, राणा प्रताप जो थे जयवंताबाई के पुत्र थे, जगमाल को धीरबाई मेवाड़ का राजा या राणा बनाना चाहती थी, शासक बनाना चाहती थी। धीरबाई के कहने से महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन उसके पश्चात ग्वालियर के राजा रामशाह और पाली के अखेराज सोनगरा जो कि राणा प्रताप के नाना था, इनके कहने से महाराणा उदय सिंह ने राणा प्रताप को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। जब राणा प्रताप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तो जगमाल इस बात से नाराज हो गया, खफा हो गया और वो मेवाड़ छोड़कर अकबर के खेमे में जा मिला। और हालांकि उसने कभी मेवाड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी अकबर के पास चला गया और अकबर ने इसे जाजपुर का परगना और सिरोही राज्य का आधा भाग प्रदान किया था। कवि पृथ्वीराज राठौड़ डिंगल भाषा के प्रकांड विद्वान जिन्हें टेसिटोरी जो इटली के विद्वान थे इन्होंने डिंगल भाषा का हेरोस कहा। पृथ्वीराज ये बहुत बड़े विद्वान थे, बीकानेर के जो महाराणा राय सिंह थे इनके छोटे भाई थे और ये अकबर के दरबार में रहा करते थे। इन्हें डिंगल भाषा के प्रकांड पंडित को टेसिटोरी जो इटली के विद्वान थे इन्होंने डिंगल भाषा का हेरोस कहा। इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी वेली किस्मण कृष्ण रुक्मणिरी। ध्यान रखिएगा ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, वेली कृष्ण रुक्मणिरी की रचना जो थी वो कवि पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। और इस ग्रंथ में अकबर को एक अधर्मी शासक के रूप में तथा राणा प्रताप को एक वीर योद्धा के रूप में बतलाया गया है। एक बार जब ऐसा लगा कि राणा प्रताप एक पल के लिए मुगलों से संधि करने को तैयार हो गए तब उन्होंने प्रताप के स्वाभिमान को जगाया था। उन्होंने प्रताप को पत्र लिखकर ये आगाह किया था कि जो उदयपुर के मेवाड़ शासक है वो हमेशा सूर्य के उपासक रहे हैं, वो किस प्रकार से एक अधर्मी तुर्की शासक के अधीन हो सकते हैं। तब महाराणा प्रताप ने उनको ये विश्वास दिलाया था कि मेवाड़ का सूर्य हमेशा पूर्व में ही उगता है और आगे भी पूर्व में उगता रहेगा और महाराणा प्रताप कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो ये है महाराणा प्रताप। अगले वीडियो में अपन बात करेंगे महाराणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की चामंड में मृत्यु हो जाती है और इसके साथ एक स्वर्णिम अध्याय मेवाड़ का एक अध्याय समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ आज का ये वीडियो पूर्ण, आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई भी किंतु परंतु कोई बात समझ में नहीं आई है कहीं पर भी आपको कुछ लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखे, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।